हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज ये हमारा लेसन नंबर 15 है, जिसमें हम लोग ये 31 से लेके 35 तक जो वर्ड है वो डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास वर्ड है वो है मंडेन। मंडेन का क्या मतलब है? मंडेन का मतलब है आम तौर पर, आम या दुनियावी। तो यहाँ पे मैं इसका मतलब लिख देता हूँ आम, नॉर्मल। जी तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? इट्स एन एटीट्यूड दैट टर्न्स द मेंडेन इनटू समथिंग मोर इंटरेस्टिंग। कि ये एक ऐसा रवैया है जो आम या दुनियावी चीज को किसी भी दिलचस्प तब्दील में चीज में तब्दील कर देता है। तो इसमें हम लोग वर्ड्स देख लेते हैं। एक वर्ड इसमें हमें मिलता है एटीट्यूड, दूसरा मिलता है टर्न्स, तीसरा मिलता है इंटरेस्टिंग। तो इन सबको मैं यहां बाहर लिख लेता हूं। एटीट्यूड, टर्न्स, इंटरेस्टिंग। जी नेक्स्ट है हमारे पास प्रोबेबली। प्रोबेबली का क्या मतलब है? इसका मतलब है इम्कानी तौर पे, जो चीज का इम्कान हो या गालबन। तो मैं यहां पे इसका मतलब गालबन लिख देता हूं। गालबन, ठीक है जी। तो इसका सेंटेंस क्या बनता है? जिया वाज प्रोबेबली मोर डेयरिंग देन आई वाज। कि जिया जो था वो यकीनन मुझसे ज्यादा हिम्मत वाला था। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा? डेरिंग, ये वर्ड हम बाहर लिख लेंगे। डेरिंग, यस। नेक्स्ट है हमारे पास कंसंट्रेट। कंसंट्रेट जो है उसका मतलब क्या है? कि किसी भी चीज की तरफ अपनी जहनी तवज्जो को मरकूज करना या किसी भी चीज पे फोकस करना, ध्यान करना। तो कंसंट्रेट, तो इसमें मैं इसका शॉर्ट लिख देता हूं तवज्जो देना। ठीक है, इसका सेंटेंस क्या बनेगा? आई एम लिविंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन राइटिंग फिक्शन। के मैं अफसाना लिखने के ऊपर तवज्जो देने के लिए जा रहा हूं। मैं अफसाना लिखने पर तवज्जो देने के लिए जा रहा हूं। ओके, इसमें हमारे पास एक ये वर्ड आएगा लिविंग, दूसरा आएगा राइटिंग, तीसरा आएगा फिक्शन। तो इन सबको भी यहां लिख लेते हैं। लिविंग, राइटिंग, फिक्शन। जी तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है हमारे पास एडिक्टिव। एडिक्टिव का क्या मतलब है? एडिक्टिव का मतलब है नशावर या लतावर। तो इसमें मैं इसका लिख देता हूं मतलब नशावर। नशावर, लतावर, कोई भी चीज जिसकी आदत लग जाए। सिगरेट्स आर हाईली एडिक्टिव। कि जो सिगरेट हैं वो इंतहाई नशावर हैं या इंतहाई लतावर हैं, जिसकी लत लग जाती है। तो इसमें हमारे पास एक वर्ड आएगा सिगरेट, दूसरा आएगा हाईली। तो इनको भी मैं यहां बाहर लिख लेता हूं। सिगरेट, हाईली। जी उसके बाद हमारे पास यूनिक। यूनिक का क्या मतलब है? अनोखा, आला, यक्ता। तो इसमें मैं लिख देता हूं अनोखा। मुनफरिद, ठीक है। इसका सेंटेंस क्या बनेगा? दे आर प्राइसलेस, यूनिक एंड इररिप्लेसेबल। के वो लोग प्राइसलेस मतलब अनमोल,
मुनफरिद और नाकाबले तलाफी हैं। मतलब नाकाबले तलाफी को होता है जिसकी जगह कोई नहीं, जिसका मुतबादल कोई नहीं, जिसको हटा के किसी और चीज को नहीं लेके आया जा सकता। तो इसमें हमारे पास क्या वर्ड है, प्राइसलेस एंड इरिप्लेसेबल। तो इन दोनों को भी मैं यहां लिख लेता हूं, प्राइसलेस इरिप्लेसेबल। जी गाइस, तो ये हमारे जितने भी वर्ड थे इसमें से हमने निकाल के लिख लिए हैं। अब मैं इसको क्लियर कर देता हूं और उसके बाद में हम लोग इनके मायने देखेंगे। जी गाइस, तो पहले वाला वर्ड मैंने कर दिया साफ, अभी हम देखते हैं इसमें जो मिलते जुलते वर्ड हैं। सबसे पहले आता है मंच। मंच का मतलब है चबाना। उसके बाद म्यूनिसिपल, म्यूनिसिपल बल्दियाती। उसके बाद म्यूनिसिपैलिटी बल्दिया। उसके बाद में प्रोटेक्ट हिफाजत, प्राउड, प्राउड मतलब फखर, प्रूव साबित करना, कंसेंट, कंसेंट का मतलब है राबता, कंसंट्रेशन तवज्जो मरकूज करना, एडिक्ट, एडिक्ट का मतलब है आदि, एडिक्शन आदत, एडिक्टेड जो आदमी उस आदत में मुब्तला हो गया, जिसको वो लत लग गई है उसको एडिक्टेड या नशा, नशाबाज बोला जाता है। यूनिकली, यूनिकली मतलब है बेमिसाल, अनोखा, यूनिकनेस, यूनिकनेस है निरालापन। जी तो अब मैं इन सबको कर देता हूं रिमूव और इनके मतलब हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एटीट्यूड। एटीट्यूड का क्या मतलब है, रवैया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टर्न्स। टर्न्स का मतलब है मोड़ना, घुमाना, फेरना किसी भी चीज को या बदल देना। तो यहां पे मैं लिख देता हूं इसका तब्दील करना या मोड़ना, मोड़ना लिख देता हूं। जी उसके बाद है इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग क्या होता है, दिलचस्प। नेक्स्ट हमारे पास है डेयरिंग। डेयरिंग का मतलब है हिम्मती या हिम्मत, हौसला मंदाना। तो मैं यहां पे लिख देता हूं इसका शॉर्ट में हिम्मती। ओके, मैं हिम्मती लिख देता हूं, हौसला मंदाना। अच्छा नेक्स्ट है लीविंग। लीविंग मतलब छोड़ना, जाना। नेक्स्ट है राइटिंग, लिखना। नेक्स्ट है फिक्शन। फिक्शन का मतलब है कोई अफसाना, अफसाना कहानी। सिगरेट्स, सिगरेट तो आप सबको पता है। हाईली, हाईली मतलब होता है एक इंतहाई लेवल जो होता है, मैं यहां लिख देता हूं इंतहाई। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइसलेस। प्राइसलेस वो जिसकी कीमत अदा ना की जा सके, उसको हम अनमोल भी बोलते हैं, अनमोल। अनमोल नेक्स्ट है हमारे पास इरिप्लेसेबल, जिसकी जिसकी जगह तब्दील ना की जा सके, उसका कोई मुतबादल ना हो, तो उसको इरिप्लेसेबल कहा जाता है, चेंज नहीं किया जा सकता, जिसको जिसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। तो गाइज ये आज का हमारा 15 नंबर लेसन कंप्लीट है। आप सबसे रिक्वेस्ट है इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कीजिए। मिलते हैं अगले लेसन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।